प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप लोग आनंदित हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर यहोवा इन दिनों में मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं देश और देश के अन्य हिस्सों में अलग अलग जगह में सुसमाचार की सेवकाई के लिए जब जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा मसला मेरे आँखों के सामने में दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग बीमारी और बंधनों में फंसे हुए हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और बहुत लोग प्रेयर कराने आते हैं, बोलते हैं कि सर हमको बेबी नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस नहीं जा रहा है अच्छा, हमको जॉब नहीं लग रहा है, हमारा फैमिली में अशांति है। कुछ चीज़ें पता है जो शैतान कलीसिया के अंदर में बंधुआई को लेके आना चाहता है। और बाइबिल में लिखा हुआ है, पता है प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और इसी से रिलेटेड एक पावरफुल वर्ड में पढ़ रहा था, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को उसने पुत्र और पुत्रिया होने का अर्थात संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आज यदि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी के पास प्रेयर कराने जाने से पहले मुझे परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। मुझे उपवास करने से पहले मुझे परमेश्वर के नेचर को समझने का ज़रूरत है। अब मैं यदि समस्या में फंसा हुआ हूँ तो मुझे जानना पड़ेगा कि शैतान किस जगह में मेरे अधिकार को छीन के रखा है, कहाँ पर मुझे वो बंधुआई में लेके जाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को अदन के बगीचे के अंदर में, आदम और हवा को अदन के बगीचे के अंदर में परमेश्वर यहोवा ने उनको रखा और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर एक बहुत ही प्यारा सा क्रिएशन वहाँ पर किया, पता है। और वो बगीचे के मध्य में, जैसा आपको पता है, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल था और उसमें जीवन का वृक्ष का वहाँ पर पेड़ भी था। और आपको पता है जैसे शैतान हवा के पास में भरमाने के लिए चला गया, जैसे कि शैतान ने हवा को भरमाया और बोला कि तू इस पेड़ के फल को खा जाएगी तो निश्चय तू परमेश्वर के जैसे हो जाएगी। पर खुदा का वचन कहता ऑलरेडी हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए थे, पर ये बात जो है वो हवा को समझ में नहीं आया। शैतान धोखा में रखता है, वो बंधुआई में लाने से पहले धोखा देता है। अगर शैतान चाहता था तो वो जीवन के वृक्ष के फल की ओर भी इशारा कर सकता था, लेकिन नहीं किया। आपको पता है आज शैतान आपको बंधुआई में लेके जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का अधिकार है, आपके पास यीशु मसीह का लहू का अधिकार है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम का अधिकार है। और आइए आज हम अपने अधिकार को पहचाने। आदम और हवा ने अपने अथॉरिटी को क्यों खो दिया? क्योंकि परमेश्वर यहोवा से लोग दूर होते गए। आपका अधिकार क्यों आपसे दूर हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर से दूर रह रहे हैं। आपका काम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अदन के बगीचे के अंदर में, अर्थात इस संसार के अंदर में बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर शैतान हमको उन्हीं चीज़ों को दिखा रहा है एक्चुअली जिनका हमको ज़रूरत नहीं है। आप शैतान की तरफ निगाह नहीं, आप पवित्र आत्मा की तरफ निगाह करें। और जैसे पवित्र आत्मा की ओर निगाह करेंगे आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार शैतान ने धोखा दे के तो खुदा के जैसा हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में हमारे पास ऑलरेडी वो अथॉरिटी है, हमारे पास ऑलरेडी वो अधिकार है। आपको अपने अधिकार को पहचानने की जरूरत है। आप जैसे अपने अधिकार को पहचानेंगे निश्चय आप मजबूत होते जाएंगे। अब यहाँ पर बात यह है कि आदम और हवा का अधिकार जैसे छीन लिया गया, अब बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, पर क्यों शैतान के पास से अधिकार को लेकर नहीं आ पा रहे थे? इसके पीछे सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो लोग खुदा के नेचर को नहीं समझते थे। यीशु मसीह जैसे आए उन्होंने कहा मैं आया हूं कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूं, मैं आया हूं कि मैं व्यवस्था को पूरी करूं। आपको पता है आप जिस जगह में फेल हो रहे हो ना, आपका प्रेयर उस जगह में पास होने के लिए है, आपका प्रेयर खुदा को पाने के लिए नहीं है। यीशु ने बोला मैं खुदा को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूं। आज आप परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें, आज आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करें, हर एक एरिया के अंदर विक्ट्री आप पाओगे। वचन कहता है जिस प्रकार गोलियत के पास में दाऊद गए और गोलियत लंबा चौड़ा विशाल था और इजरायली जो सेना थे, आर्मी थे, शाऊल राजा, वो सारे लोग डर गए थे। और आपको पता है शाऊल के सामने में, फिलिस्तियों के सामने में, गोलियत के सामने में दाऊद ने किसको रिप्रेजेंट किया? अपने गोफन को नहीं, बल्कि खुदा का प्रतिनिधित्व किया। उसने बोला तू तलवार सांग भाला लिए आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। और आपको पता है स्टोरी, वहाँ पर दाऊद जीत गए। यीशु मसीह ने संसार के ऊपर विजय क्यों पाया? यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय क्यों पाया? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना स्टार्ट कर दिए। आज मैं आपको बताऊँ, शैतान आपको
जिन चीजों को दिखाता है वो चीज राइट नहीं है। शैतान चाहता तो जीवन के वृक्ष की ओर दिखा सकता था। और दूसरी जो बात है, शैतान जो है वो मनुष्य जाति को भ्रम में इसलिए रख करके गिरा पाता है क्योंकि उससे अधिकार को छीन ले। और प्रभु यीशु मसीह क्यों जीते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आवश्यकता की चीजों का नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने जरूरत की चीजों का नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया। अब बात यह है कि मैं गुलामी में था, अब मैं गुलामी में नहीं हूँ। आपको नकारात्मक अंगीकार नहीं करना है, आपको हमेशा सकारात्मक अंगीकार करना है, पॉजिटिव अंगीकार करना है। मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं निराश हूँ, नहीं, मैं यीशु मसीह में ताकतवर हूँ। मुझे परमेश्वर निर्बलताओं से बल में लेके आया है, वो थकियों को बल देता और शक्तिहीन को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। आप अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपके पास किन किन चीज़ों का अधिकार है? ध्यान से सुनिएगा, आपके पास किन किन चीज़ों का अधिकार है। और न केवल सुनिएगा बल्कि ये वचन को भेजिए, अपने प्रियजनों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। आपको अधिकार में बता, आपके पास सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। और आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार क्या है पता है? आप यीशु का नाम ले सकते हो और आप पवित्र आत्मा में होकर कह सकते हो कि यीशु ही प्रभु है, आपका पहला अधिकार। आपका दूसरा अधिकार क्या है? आप पापों को क्षमा मांग करके जब आप बपतिस्मा लेते तो पवित्र आत्मा का पावरफुल अधिकार आपके पास है। आपके पास तीसरा अधिकार क्या? आपके पास तीसरा अधिकार यीशु मसीह का लहू का अधिकार, क्योंकि शैतान के पास शरीर नहीं है तो शैतान के पास लहू नहीं है, आपके पास लहू का अधिकार है। चौथा अधिकार क्या है? आपके पास आग का अधिकार है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक अग्नि है और शैतान अंधकार है, डार्कनेस है, शैतान के पास अथॉरिटी नहीं है। आपके पास पाँचवा अधिकार क्या है? आपके पास वचन है और शैतान के पास वचन नहीं है। आप ये पाँच अथॉरिटी को जब आप पहचानेंगे और आप अपने पाँच अधिकार को जब आप पहचानेंगे और उसको अपने जीवन के अंदर अप्लाई करेंगे, अपने जीवन के अंदर अमल करेंगे, अरे कोई भी क्रूस आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु ने क्रूस को दुख को जीत लिया। इससे आइए आज हम अपने अथॉरिटी को पहचाने और परमेश्वर यहोवा के साथ अपने जीवन को चलाएं। आमीन।